दैट इज सॉल्ट. तो सॉल्ट कैसे बनता है बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एसिड प्लस बेस जो है दे कंबाइन टू गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH कंबाइन टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर एंड NaCl इज टर्म्ड एज अ टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट. इसका pH इज 7 एंड इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मैं जो है यहां पर एक स्ट्रांग एसिड ले लेता हूं, जैसे HCl एक स्ट्रांग एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है. यहां लगी ये बात मैंने पहली पहली क्लास में भी बताई थी आपको, एक बार रिपीट कर रहा हूं. सो इट फॉर्म्स NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, दिस इज एसिडिक सॉल्ट. इसका जो pH है दैट इज लेसर देन 7. या H2CO3 प्लस NH4OH आप अगर लेते हैं, या NaOH 2NaOH, तो ये मिलता है Na2CO3. ये बेसिक सॉल्ट होता है बेटा, इसका pH इज ग्रेटर देन 7. ठीक है, अब देखो NaCl का यूज कैसे करते हैं, टू फॉर्म NaOH. इसका नाम होता है कॉस्टिक सोडा. इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, मोल्टन NaCl ले लेते हैं, पिघला हुआ NaCl. इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो क्या होता है, अरे मोल्टन नहीं यार, एक फिर सॉरी, तो यहां पर क्या होता है बेटा कि जो क्लोराइड आयन्स हैं वो क्लोरीन बनकर के गैस बन के लिबरेट हो जाते हैं. कहां पर, एनोड पर. और कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन्स जो हैं वो हाइड्रोजन बन के लिबरेट हो जाते हैं. तो आप देखो NaCl एक्वस में आयन कौन कौन से थे, एक तो Na प्लस आयन था, एक Cl माइनस आयन था, एक H प्लस आयन था, एक OH माइनस आयन था. अब देखो Cl माइनस आयन कहां गया, क्लोरीन गैस बन गया. H प्लस आयन कहां गया, हाइड्रोजन गैस बन गया. क्या बचा बेटा आप लोगों के पास, बताओ क्या बचा आप लोगों के पास. तो आप बोलोगे सर Na प्लस और OH माइनस आयन बचा, तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, तो आप बोलोगे सर NaOH बनाया. सिंपल सा प्रोसेस है. तो यहां पर आप NaCl का जो आप एक्वस सॉल्यूशन लेकर के अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो NaOH बन जाएगा. समझ में आ रही बात बेटा, बोलो भाई कोई डिफिकल्टी, कोई मुश्किल्टी. दूसरा, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आप लोगों से, ध्यान से देखिए. ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों सभी के सभी. NaCl लेंगे एक्वियस, इसका क्या कर दिया, यही प्रोसेस यहां पर है, इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस. इससे क्या बना मेरे पास बेटा, क्लोरीन गैस बनी, साथ में NaOH बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बनी, ये बनी. अब क्या करेंगे, ये जो क्लोरीन गैस यहां पर बनी ना बेटा हमारे पास, और ये जो NaOH बना, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं. क्या डाल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस कैल्शियम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन और NaOH के साथ कंबाइन करता है ना प्यारे बच्चे, यहाँ पर जब ये कंबाइन करता है तो ये क्या बना लेता है, CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NaCl। अब ये जो NaCl है बेटा, इसका वापस यूज कर लो आप, इसका वापस इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, तो प्रोसेस रिपीट हो जाता है। इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, याद रख लीजिए, जरूरी बता रहा हूँ, छाप लो दिमाग में, भूलना नहीं, एग्जाम में पूछेंगे इसके बारे में, बताओ क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला पूछा जाएगा, दिमाग में छप जाना चाहिए सभी बच्चों के। इसका नाम होता है CH होल्ड ट्वाइस का स्लेग्ड लाइम, ये नामकरण जरूर याद रखना है, ठीक है। और ये ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा होता है NaHCO3, सोडियम बायकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, आपके केक बनाने में ये काम आता है। NaCl लिया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया और अमोनिया मिलाया, क्या मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, और साथ में थोड़ा जल के छींटे मार दिए हमने इसमें, तो ये मिलके बन जाता है NaHCO, क्या मिल जाता है, NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब आप पूछोगे सर ये कैसे बनता है, देखो CO2 और H2O मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके एक एसिड बनाते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किसके साथ कंबाइन हो रहा है, NH3 के साथ, तो ये क्या बना देगा, NH4 होल ट्वाइस CO3। ये अमोनियम कार्बोनेट जब कंबाइन करता है NaCl के साथ तो ये क्या बना देता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, ओके। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3, ये कैसे बनता है बेटा, देखो यहाँ पे क्या बना, NaHCO3 बना ना, NaHCO3 को अगर आप हीट कर देंगे तो बन जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ सॉल्ट क्रिस्टल्स हम लोगों को जानने होते हैं, तो CuSO4.5H2 ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, ये जो 5H2O है इसको बोला जाता है बेटे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है बेटा CuSO4.2H2। अरे CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम, इसमें पानी मिला दो, ये बन जाता है CuSO4.2H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको कॉमन फॉर्म नेम दिया जाता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है बेटा।